फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड कुणाल एंड यू आर वाचिंग KM09 ब्लॉग। तो गाइस, एंड रिसेंटली आपने एक वीडियो देखा होगा मेरा ओला S1 प्रो पे, जिसमें मैंने जितनी मेरे को एक्सपीरियंस था और जितनी नॉलेज थी मैंने इसका आपके साथ मैंने शेयर करी। एंड इस पर अभी हम निकल रहे हैं, अभी मेरे पास इसका माउंट तो आ गया पूरा, बट मेरे पास इसका माइक वगैरह नहीं है। माइक में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। अभी हम इस पर चलते हैं, अभी एक राइड पर निकलते हैं और देखते हैं टॉप स्पीड कितनी जाती है। और उस पर 25 एंड वेदर हो रहा है बहुत अमेजिंग। तो इसको स्टार्ट करना है, ब्रेक दबा के, पावर बटन दबा के, ये हो गई हमारी स्कूटर ऑन और चलते हैं एक छोटी सी राइड पे। अभी मेरा इसमें माइक नहीं लगा हुआ, इंटरनल माइक ही देखते हैं कि वॉइस कैसी कैप्चर करता है। और जब मैं जितनी ज़्यादा स्पीड पे आगे वीडियो को शॉर्ट लूँगा उसमें म्यूज़िक डाल दूँगा। मेरा माइक्रोफोन अभी पड़ा हुआ, लेकिन सेटिंग से थोड़ा सा मतलब वॉइस की क्लैरिटी नहीं आ पा रही किसी न किसी रीज़न से। और अभी हमारी स्कूटर ये चल रही है नॉर्मल मोड पर और इसकी थीम मैंने करी है डार्क यहाँ से। एंड देखते हैं आज ये इसके तीन मोड है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड एंड हाइपर मोड। हाइपर मोड पे इसकी अभी टॉप स्पीड में, अभी मेन रोड पे जाके देखता हूँ कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको मतलब स्पीड पे लेके जा सकते हैं, कितनी ज़्यादा रन करती है, कितनी मैक्सिमम स्पीड पे। कंपनी जो क्लेम करती है वो करती है 125 एंड रेस्ट हम देखते हैं अपना एक्सपीरियंस कितना चलता है हमारा। एंड एक चीज़ और कि जब भी आप टू व्हीलर राइड करते हैं तो प्लीज़ हेलमेट ज़रूर वेयर कीजिए। इवन आप बैटरी वाला स्कूटर चला रहे हैं, ईवी हो या फिर पेट्रोल है। तो अभी है नॉर्मल मोड पे और हमारा 62 किलोमीटर का भी रेंज दिखा रहा है। और इसमें एक बार साइड पे रोक लेता हूँ, इसकी बैटरी देखते हैं इसमें कितनी चार्जिंग है। अभी इसकी चार्जिंग है 43%, टेम्परेचर भी आ रहा है एंड डिस्टेंस दिखा रहा है इसमें 18 किलोमीटर चलेगी और 22 किलोमीटर आर की एवरेज दिखा रहा है। टॉप स्पीड 111 दिखा रहा है 111 की। लेट्स देखते हैं कि हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसको खींच सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये नॉर्मल मोड से इसके यहाँ पे एक जो राइट साइड पे बटन है इसे हम कर देते हैं स्पोर्ट्स मोड। ये हो गया स्पोर्ट्स मोड एंड ये हो गया हमारा हाइपर मोड। और ये आगे हमारा आ गया है मेन रोड, इंडिकेटर देख के घुमाते हैं एंड अब खींचते हैं हमारी स्कूटर कितनी गई, देखते हैं। स्मूथ चलता है, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, पर आपको अपने अकॉर्डिंग से राइड अपने आप से सेव करना है। GoPro Hero 7 Black से मैं चूज कर रहा हूँ। बस देखते हैं कि वॉइस क्लैरिटी कैसी आती है, अगर वॉइस क्लैरिटी अच्छी नहीं आती तो मैं इसमें म्यूज़िक इंसर्ट कर दूँगा। बस ये जो बाकी का वीडियो है कि मुझे पता चलेगा एडिटिंग के टाइम पर कि क्या मतलब प्रॉब्लम फेस हो रही है अभी करंट में, तो कुछ पता नहीं चलेगा। मेन रोड के जाने के बाद अब हम आ गए अपने लोकल एरिया में। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव सेफ करना है और आपका फोकस हमेशा राइडिंग पे होना चाहिए। आगे ये नहीं कि अगर आप पूरा मतलब टॉप स्पीड तक ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल अलर्ट होकर चलाना है, हमें आसपास देख के और बिल्कुल सेफली राइड करना है। अपने आप में अपने लिए भी सेफ करना है और दूसरों के लिए भी सेफ करना है। ड्राइविंग करते वक्त दोनों के लिए ज़रूरी है, अपनी सेफ्टी एंड औरों की सेफ्टी। तो हमारी राइड कम्प्लीट हो गई है एंड वीडियो में मैं सबसे पहले तो अपने सब्सक्राइबर और मेरी ऑडियंस और मेरा एक फ्रेंड है, मेरे कई फ्रेंड है, एक नहीं मतलब आकाश गुलाटी जो मेरा फ्रेंड है कनाडा में जाकर उसने मेरी वीडियो शेयर करी, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, मतलब बिल्कुल मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि उसने सपोर्ट किया और वीडियो शेयर किया। और मेरे एक भैया हैं गौरव भैया हैं DJ Swag एंड एक मेरे भैया हैं बिजनेस क्लाइंट हैं मेरे लोकेश भैया, उन्होंने भी मुझे बहुत फोर्स किया कि बहुत टाइम से तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो बनाइए, अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इससे थोड़ा सा और मन करता है कि वीडियोस वगैरह। थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी। एंड ऐसे ही अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, प्यार वगैरह देते हैं, व्यूज़ आते हैं, लाइक करते रहते हैं, तो मन भी करता है वीडियोज़ वगैरह बनाने का और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का। मोटो व्लॉगिंग पे भी हमें मतलब अच्छा लगता है एंड कार्स पे रिव्यूज़ भी,
एंड बहुत जल्दी देखता हूँ कुछ थोड़ा डिफरेंट सा कंटेंट लेके आता हूँ। बहुत थोड़ा फनी सा कंटेंट भी अभी हम बनाएंगे सोचा है अभी आगे जाके, तो उसके लिए चैनल जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसका एक अपडेट आने वाला है अप्रैल के, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया वीडियो, तो अप्रैल एंड में भी कंपनी ने क्लेम किया है, कस्टमर केयर पे हमारी बात हुई थी। तो रेस्ट अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, ये बहुत अच्छा है स्कूटर एंड इसकी लाइट्स वगैरह जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी।